नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजायर क्लास में। मैं पवन गुप्ता हाजिर हूं आपके लिए कुछ यूपीटेट 2018 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने मेंसुरेशन जो पार्ट चल रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है, और उसके बाद मैंने बताया था कि आयत और वर्ग पे हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग का मेंसुरेशन जो 2D का पार्ट चल रहा है उसमें ये हमारा चतुर्भुज का पार्ट है, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो आयत और वर्ग दिया हुआ है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये लास्ट चतुर्भुज का आयत और वर्ग। तो आयत और वर्ग पे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया था, अब बारी है आपके उस पर क्वेश्चन करने की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयत पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कि एक आयत का फिगर बना हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी लंबाई आमने सामने की भुजा और चौड़ाई ये दोनों बराबर है। क्लियर, ये फिगर आपका आयत का है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने तीनों फॉर्मूला को आपको रिमेंबर कराने के लिए मैंने लिख रखा है कि आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का जो विकर्ण होता है यानी इसका जो डायगोनल होता है वो आपका होता है √L² + B². और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो आपका एक पार्क है या मैदान है जो आयत के आकार का है, आयताकार की बात कर रहा है, क्षेत्रफल 180 cm² है, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, और कह रहा है कि उसकी चौड़ाई 15 cm है, तो उस मैदान का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि आपको परिमाप निकालना है, और परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, परिमाप निकालने के लिए L का मान चाहिए और B का मान चाहिए, और चौड़ाई आपका 15 cm दे रखा है, यानी कि B बराबर 15 दे रखा है, तो आपको परिमाप निकालने के लिए एक पैरामीटर और कौन सा चाहिए, L का मान चाहिए यानी लंबाई चाहिए, और लंबाई निकालने के लिए आपको एक पैरामीटर और दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आप लगाओगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो एरिया कितना दे रखा है 180, क्लियर, और लंबाई आपको फाइंड करना है, और चौड़ाई आपका दे रखा है क्वेश्चन में कि 15 cm है, तो 180 बराबर L गुणे 15, तो L का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 180/15, और 180 को जब हम 15 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा 12। तो इसका मतलब कि उस आयत का लंबाई यानी उस आयताकार मैदान की लंबाई 12 cm है और चौड़ाई 15 cm है, तो मैं लिख सकता हूं कि L बराबर 12 cm और चौड़ाई जो दिया है वो आपका 15 cm ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें 2 से गुणा करेंगे, तो देखो दोस्तों क्या बन जाएगा 2 × लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो L + B कितना हो जाएगा 15 × 12 = 27, तो 2 × 27। अब क्या करोगे, 27 को 2 से गुणा करोगे, तो 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 27 दुना कितना होता है दोस्तों 54, और परिमाप है तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या टिक कर सकते हो, 54 cm, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें परिमाप निकालना था और परिमाप हमारा 54 cm है। दोस्तों अब देखो, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में लंबाई पूछता तो आप डायरेक्टली एरिया बराबर L × B करते और 180 L × 15 और 180 को 15 से भाग करते, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता, लंबाई जो आपका 12 cm होगा। तो अगर क्वेश्चन में लंबाई पूछता तो आपका आंसर 12 cm होता, लेकिन क्वेश्चन में परिमाप पूछा है तो पहले आपको लंबाई निकालना था, चौड़ाई दिया हुआ था, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना जो होता है वही आपका परिमाप होता है, ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आयत पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, और यही आपके क्वेश्चन का यही आपके एग्जाम का लेवल भी है, यानी कि आपके यूपी टेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन कवर किए जा रहा है आजकल, मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टाइप के पूछे गए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। सबसे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए और देन खुद से ट्राई करिए कि क्या आपसे लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आप 110% लगा लेंगे, ठीक है। वैसे आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई को नहीं दे रखा, इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 3/2 गुना है। तो आइए पहले यहां तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे किसी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है। तो चौड़ाई को अगर दोस्तों मैं एक्स मान लूं तो लंबाई कितना हो जाएगा, एक्स का 3/2 गुना। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/2, क्लियर। तो किसी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, लंबाई को x माना, चौड़ाई हमारा 3x/2 हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपसे कह रहा है यदि पार्क का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोस्तों मुझे बताओ कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। यानी कि लंबाई जो है हमारा 3x/2 है और चौड़ाई जो हमारा है x है, तो ये बन गया हमारा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किसके बराबर करेंगे हम लोग, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, आपसे पूछा है तो उसका परिमाप याद करें। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले लंबाई फिर उसकी चौड़ाई और उसको जोड़ के 2 गुना करेंगे, हमें परिमाप मिल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल के फिर लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। 3 से इसको कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 800, यानी कि 3 × 8 = 24 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा x और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 आपका क्रॉस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 2 = 1600 बन जाएगा, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपका 1600 है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो √1600 जब करोगे तो आपको मिलेगा 40। यानी कि x की वैल्यू जो मिला हमें 40 मिल गया, यानी 40, 1600 का वर्गमूल हमारा होता है 40। तो अगर आपको x की वैल्यू पता चल गया तो अब आप लंबाई भी पता कर सकते हो और चौड़ाई भी पता कर सकते हो। तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं कि लंबाई कितना होगा, 3 × x का मान जब हम 40 रखेंगे तो 3 × 40 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्लियर। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 से 60 दे देगा। इसका मतलब है कि लंबाई हमें 60 मिलेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और चौड़ाई जो हमारा है वो x के बराबर ही है, इसका मतलब कि ये आपका 40 होगा, क्लियर। तो आपने लंबाई भी निकाल लिया और चौड़ाई भी निकाल लिया, अब आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि परिमाप बराबर होता है 2 × L + B और L का मान हमारा है 60 और B का मान हमारा है 40। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 60 + 40 कितना होता है दोस्तों, 100, और 100 को 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 200, और परिमाप है तो इसका आंसर आपका सेंटीमीटर में होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो आएगा 200 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर 200 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यानी प्रॉब्लम नंबर 3, और मैं फिर से आपसे वही बोलूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से यानी सेल्फ ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है और आप निकाल के रखिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप मैच करिए कि क्या आपसे इस तरह के प्रॉब्लम्स लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूँ कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले हमारे वीडियो को देखिए और देन इस वीडियो को देखिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि किसी आयताकार पार्क का परिमाप 46 मीटर है। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे ही आपने परिमाप 46 पढ़ा तो आपके मन में ये चीज़ आ गया होगा पिक्चर कि 2 × L + B की जो वैल्यू होगा वो 46 के बराबर होगा, क्योंकि परिमाप आपका यही होता है 2 × L + B जो 46 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि L + B बराबर हो जाएगा 23, क्योंकि जब ये 2 जाएगा उधर तो डिवाइड कर देगा और 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 23। यहाँ तक तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या कह रहा है, तथा उसका क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। तो अब आपके मन में आ गया होगा कि क्षेत्रफल L × B होता है, जो आपका 120 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है।
इसका मतलब है कि आपको एल प्लस बी का भी मान पता चल गया और एल इंटू बी का भी मान पता चल गया। तो यहाँ तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विकर्ण की लंबाई d बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्लियर। तो हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने के बाद फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें, यानी कि उनको एल प्लस बी का मान पता है और एल इंटू बी का मान पता है और उनको विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एल का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से L का मान निकालते हैं तो क्या आएगा 120 बटा बी, और जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, यानी कि बन जाता है आपका द्विघात समीकरण। अगर आप ऐसा करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ा एज अ सेंस कि फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, देन आपका एक वैल्यू मिल जाएगा तो दूसरा पैरामीटर भी निकालेंगे और वो निकालने के बाद आप यहाँ पे उसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे, देन आपको विकर्ण की लंबाई मिलेगा। तो वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि L प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए जो देता है आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। ये तो सबको पता होगा कि A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। A प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ दिया। अब आप देखिए कि L प्लस बी का मान 23 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका आएगा 23 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया जाए और डायरेक्ट यहाँ पे रख दे और उसका वर्गमूल निकाल दे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए प्लस 2 इंटू, अब आप रखिए, देखिए एल गुणे बी का मान भी दिया हुआ है 120, पुट कर दीजिए, क्लियर। जब आप पुट कर देंगे और आपको अब निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर उधर ही रहने दीजिए और 120 गुणे 2 को आप सॉल्व करके इधर ले आइए, तो 23 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 529, सबको याद होगा 23 का वर्ग होता है 529 और माइनस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 गुणे 120, 2 को 120 से जब आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 240। अब आपको करना क्या है कि 529 में से 240 को माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो 9 में से 0 जाएगा, आपको देगा 9, और आप 52 है यानी कि 12 में से 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 8, और ये बन जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 289, क्लियर। तो आप अब हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 289 होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से पता चल जाएगा, और जब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट क्या मिल जाएगा 289। और अब आपको पता होगा कि 289 यानी 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 289 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो आता है 17, क्लियर। और सारे पैरामीटर अगर मीटर में दिया है तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, 17 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो और आपका प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। तो देखा आपने कि कैसे आप क्वेश्चन में अपना टाइम को सेव कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो आपका मेथड होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए और ये सब फॉर्मूला आपके माइंड में ऑलरेडी है, बस उसको अप्लाई करना सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं आयत पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 4, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और मैं फिर से आपसे यही बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और देन कोशिश करो कि क्या आप अब क्वेश्चन को लगा पा रहे हो या नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को में कैसे सॉल्व करना है और क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लंबाई और फिर चौड़ाई, और इसका रेशियो दिया है 3:2,
ठीक है दोस्तों, तो अगर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 दिया है तो आप कह सकते हो कि लंबाई अगर 3x होगा तो चौड़ाई हमारा 2x हो जाएगा। मैं मान सकता हूँ अनुपातिक राशि को हमने x मान लिया। तो यहाँ तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आगे कह रहा है कि यदि लंबाई को 5 मीटर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अभी हमारी लंबाई 3x है, जब इसको हम 5 मीटर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3x+5, क्लियर। तो ये बढ़ा हुआ लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया है। तो यहां तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तब मैदान का क्षेत्रफल 2600 m² हो जाता है, यानी कि लंबाई अगर 3x है 2x है तो मैदान का क्षेत्रफल कुछ और रहा होगा, और जब लंबाई में 5 cm का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, तब इसका एरिया जो हो जा रहा है वो 2600 m² के बराबर हो जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि लंबाई जो 3x+5 है और इनटू चौड़ाई जो आपका 2x है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2600 m² के बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन लंबाई जो हम रखेंगे वो 5 cm बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि जब 5 cm लंबाई को बढ़ाते हैं तब आपका एरिया हो जाता है 2600 m², ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले तो 2 से आप इसको कटा दो, ये आपका बन जाएगा 1300। तो मैं लिख सकता हूं x into 3x+5 और ये बराबर हो जाएगा 1300 के, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम में, ठीक है, क्या करोगे, जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर ले आओगे, तो बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जहां कहीं भी बनता है, हम लोग का टारगेट होता है कि कहीं भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो आपका टाइम टेकिंग होता है। अगर आप उस पर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो वो आपका टाइम ले लेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़ो कि पूछा क्या आपसे, मैदान की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि आपको चौड़ाई निकालना है, और देख रहे हो आप कि जो आपका चौड़ाई है वो b बराबर 2x के इक्वल होगा, यानी कि चौड़ाई हमारा 2x होगा। तो दोस्तों, जो हमारा यहां x का मान होगा वो x का 2 गुना करने पर हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगा, आप ध्यान से देखना कि x का जो मान आएगा, तो x का मान यहाँ रखेंगे और उसका 2 गुना करेंगे तो आपको चौड़ाई मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है वो x का 2 गुना दिया हुआ है, हम कह सकते हैं x का 2 गुना करने पर चौड़ाई मिलेगा जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर मैं मान लूँ कि हमारा थोड़ी देखिए ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन पे देखिए कि पहला अगर हम मैं 20 को पिक करता हूँ, ठीक, अगर मैं 20 को पिक करता हूँ तो अगर हमारी चौड़ाई 20 मीटर बना होगा तो उस केस में x का मान 10 रहा होगा, तभी तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो आप x बराबर 10 आप मन में सेटिस्फाई करिए कि अगर x का मान 10 रखेंगे तो 10 × 30 और 30 × 5 = 35 और 35 को फिर हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हमें कभी 1300 मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो इस तरह से हमारा ये आंसर रॉन्ग है, क्लियर, यानी 20 नहीं होगा। अगर मैं चौड़ाई को 10 मीटर मान लेता हूं तो इसका मतलब है कि चौड़ाई अगर 10 मीटर होगा तो x का मान 5 रहा होगा, तो जब हम यहां पे 5 पुट करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 15 × 5 = 20 बन जाएगा, और 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100 बनेगा जो कि हमें 1300 के बराबर लाना है। तो इस तरह से आपका आंसर 10 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आप 30 की बात करेंगे अगर मैं, तो इसका मतलब है कि x का मान 15 रहा होगा, 15 रहा होगा, तभी हमारा चौड़ाई 30 दिया होगा। तो जब हम 15 रखेंगे तो 15 × 3 = 45 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों बन जाएगा 50, और जब ये 50 बन जाएगा अब 50 में हम किससे गुणा करेंगे, 15 से। तो दोस्तों 50 में 15 से आप गुणा करके देखो कि 1300 मिल रहा है क्या, 50 में जब आप 15 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 750 जो कि 1300 के बराबर कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। तो अगर आपके 3 ऑप्शन रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो बचा हुआ ऑप्शन है वही राइट हो सकता है, आप चाहो तो उस पर ट्राई कर लो। तो देखो, अगर हमारा चौड़ाई 40 दिया हुआ है ऑप्शन में तो इसका मतलब x का मान 20 रहा होगा, ठीक। तो अगर मैं x का मान 20 रख के देखता हूं तो 20 × 60, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, जब x का मान 20 रखूंगा तो ये 20 × 20 × 60 = 5 = 65,
अब दोस्तों आपको करना क्या है कि 65 को 20 से गुणा करना है। तो जब आप 65 को 20 से गुणा करते हो तो 65 को 2 से गुणा करो, 65 दुना 130 और एक जीरो लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1300। आपने देखा कि हमारा ये आंसर सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह से आप 1300 जैसे ही इस पे सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब कि x का मान 20 रहा है और x का मान अगर 20 होगा तभी जाके हमारा चौड़ाई मिलेगा 20 दुना 40 और हमारा आंसर ये दिया हुआ है 40 मीटर। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे आपने देखा मैंने जानबूझकर ऑप्शन नंबर डी में लिया हुआ था 40 मीटर, कि आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कैसे ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के और बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए आंसर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी पे लिया था। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो ऑप्शन आपका डी पे ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले ही आपने ऑप्शन को सेटिस्फाई कराया और पहले पे ही आंसर मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम और भी बच जाएगा, सेकंड पे मिलेगा तब भी टाइम सेव होगा, अगर डी पे जाएगा तो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय एक तो फैक्टर बनाना होता है और फैक्टर बनाने में ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब फैक्टर बन जाता है तो आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था आयत पे प्रॉब्लम्स को, यानी आयत का क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, इससे पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, अभी एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वर्ग पर प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन स्क्वायर, यानी जो हमारे वर्ग है, आयत के बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, वर्ग। तो अब वर्ग पे भी हम लोग क्वेश्चन लगा के देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं जो भी कुछ कवर करूंगा वो सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का कवर क्वेश्चन होगा जो आपके यूपी टेट सी टेट वगैरह में पूछ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ट्रिक पे फोकस करो, टाइम सेव करने की कोशिश करो, और दूसरी चीज अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप लोग। ऑल द बेस्ट, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको सारी चीजें हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे अपडेट्स अभी हम आपको देने वाले हैं एग्जाम तक, ठीक है। यानी कि एग्जाम तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है और जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है आपसे सॉल्व करने में। तो मैं वैसे क्वेश्चन का तरीका, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ बताऊंगा, यानी कि जहां पे जो चीज लग जाए उसको लगाओ और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और बता दूं कि हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे जो भी हमारे वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं उनके लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि आप चाहे तो इस वीडियो को ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि अब तक यूपी टेट पे जितने भी हमारे वीडियो आएगा उस पे सारे का लिंक दिया हुआ है, उस पे आप क्लिक करके और एक एक वीडियो को आप लगातार देख सकते हो। और उसके साथ ही साथ एक हमारा फेसबुक पेज का लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करने के बाद फेसबुक का एक पेज ओपन होगा जो इंजीनियर पवन सर मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से होगा, उसको लाइक करिए, फॉलो करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।